रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर कर रहे हैं इन्वेंशन ऑफ ग्लास, ग्लास की ईजाद। आज हम इसका सेकंड पोर्शन करेंगे। ग्लास विंडोज आर यूज्ड इन व्हीकल्स एज वेल एज बिल्डिंग्स। जो ग्लास की खिड़कियां हैं वो सवारी में भी और इमारात बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। ऑटोमोबाइल्स, बसेस, ट्रेन्स एंड प्लेन्स हैव विंडोज मेड ऑफ सेफ्टी ग्लास। ऑटोमोबाइल्स मोटर गाड़ियों को कहते हैं, जिसमें बस, ट्रेन और जो है उनमें जो खिड़कियां होती हैं वो सेफ्टी, हिफाजती ग्लास की बनी होती हैं। व्हेन दिस ग्लास इज हिट हार्ड इट क्रैक्स। जब ये टूटता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। बट इट डज नॉट शैटर इन टू पीसेस विच कुड इंजर पैसेंजर्स। इसके पीस चिकना चूर नहीं होते ताकि जो मुसाफिर हैं उनको चोट ना लग जाए। दिस बिकॉज सेफ्टी ग्लासेस मेड लाइक अ सैंडविच। ये जो है सैंडविच की तरह बनाया जाता है। अ लेयर ऑफ क्लियर प्लास्टिक इज सीमेंटेड बिटवीन टू शीट्स ऑफ ग्लास। दो शीट्स की ग्लास में क्लियर प्लास्टिक की लेयर जो है वो सीमेंट या जोड़ी जाती है। When safety glass is broken, the shattered pieces of glass stick to the plastic. जब सेफ्टी हिफाजती ग्लास जो है वो टूटता है तो जो उसके पीसीज होते हैं वो प्लास्टिक की शीट के साथ चिपक जाते हैं। ग्लास इज हेल्पफुल टू इन बिल्डिंग सब मेरीन्स एंड स्पेस शिप्स। ग्लास जो है वो सब मेरीन और स्पेस शिप्स बनाने में भी काम आता है। सब मेरीन आबदोज को कहते हैं और स्पेस शिप जो स्पेस में जाते हैं उन जहाज़ों को कहते हैं। सब मेरीन जो है वो एक इस तरह का शिप होता है, जहाज़ होता है जो पानी के अंदर समुंदर में पानी के ऊपर भी तैरता है। और जो स्पेस शिप होते हैं, स्पेस क्राफ्ट दैट कैरीज पीपल थ्रू स्पेस, हमारी ज़मीन से बाहर जैसे चांद पे या मरीख पे लोग जाते हैं तो वो स्पेस शिप में जाते हैं। तो द ग्लास यूज्ड इज वेरी टफ। जो ग्लास इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत सख्त जान होता है। टफ का मतलब होता है बहुत सख्त। इट विल नॉट ब्रेक अंडर ग्रेट प्रेशर ऑफ वाटर। वो ना तो पानी के प्रेशर दबाव के तहत टूटता है। द कोल्ड ऑफ आउटर स्पेस और द एक्सट्रीम हीट व्हेन कमिंग बैक इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब स्पेस शिप जो है वो बाहर से जमीन की तरफ आता है तो बहुत ज्यादा इंतहाई गर्म होती है जब वो एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, तो ये इसकी वजह से टूटता नहीं है। आउटर स्पेस में जो टेम्परेचर है वो -455 फ़ारेनहाइट तक होता है। और जब एक ऑब्जेक्ट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट एक्सपीरियंसेस अ फ्यू फोर्सेस इंक्लूडिंग ग्रेविटी एंड ड्रैग। And it also causes intense heat temperature of about 3000 degrees Fahrenheit. Even astronauts' space suits are made partly of glass. जो astronauts होते हैं, हवाबाज होते हैं, space में जो जाते हैं, उनके कपड़े भी जो हैं, वो partly glass के साथ बनाए जाते हैं. Of all the objects made of glass, lenses are probably the most important. जितनी भी चीज़ें ग्लास से बनती हैं उनमें से लेंसेज जो अदसे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। कैसे? अ लेंस इज अ स्पेशली कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास दैट बेंड्स लाइट रेज। जो लेंस होता है एक मोड़ा हुआ ग्लास का ग्लास होता है जो कि रोशनी की शुआओं को मोड़ देता है। लेंसेज मेक थिंग्स लुक आइदर बिगर और स्मॉलर दैन दे रियली आर। जो लेंसेज होते हैं वो चीज़ों को या तो बड़ा करके दिखाते हैं उनके साइज से या उनको छोटा करके दिखाते हैं। द फर्स्ट लेंसेज वर यूज्ड इन ग्लासेस टू हेल्प पीपल सी बेटर। और पहले जो है वो लोगों की जो ऐनक है उसमें ग्लास के लेंस इस्तेमाल किए ताकि लोगों को बेहतर नजर आ सके। तो ये वर्ड्स और मीनिंग हैं जो भी हमने मुश्किल वर्ड्स हैं उनके उर्दू में मानी है। असल में पैराडाइम जो होती है वो अ पेयर ऑफ ग्लासेस की तरह है कि ये हमारा नज़रिया होता है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। तो जैसा हमारा अंदर नज़रिया होता है हमें दुनिया की हर चीज़ भी वैसी ही नज़र आती है। इसकी मिसाल इस तरह से समझें कि ये दो ग्लास हैं, एक बंदा इसको लेता है हाफ फुल और एक हाफ एम्प्टी। तो दोनों का रवैया ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ होगा।
हम सबको पता है कि हम मुसलमान हैं और हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और फिर दुनिया आरजी और आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली चीज है। दोबारा अगर इसी नजरिए पे आ जाएं तो जो बंदा आखिरत पे यकीन रखता है, मौत पे यकीन रखता है, अल्लाह पे ईमान रखता है, तो जो कुछ है वो उसको खर्चना शुरू कर देगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया द बेस्ट चैरिटी इज दैट गिवन वन हु हैज लिटिल, जिसके पास थोड़ा है वो दे दे, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात पसंद है, जो देना शुरू कर देता है वो अल्लाह उसको और देता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट गोल्स में हमने देखा था कि हमें कुरान पढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और सुन्नत को फॉलो करना चाहिए, और सुन्नत को फॉलो करने का बेहतरीन तरीका है कि अपने करैक्टर को मजबूत करें, सच बोलें, अदल करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि अच्छा किरदार अल्लाह की नज़र में सारी रात की इबादत और तमाम दिन के रोजे से बेहतर है। और आपको पता है कि एक ये भी सुन्नत है, सच बोलना, अदल करना, इंसाफ करना, और जो बंदा अल्लाह और आखरत पे यकीन रखता है वो ये चीज़ें प्रैक्टिस करता है और रात को सोने से पहले देखता है कि क्या मैंने लोगों से सदका किया, मैंने मुस्कुरा के बात की, मैंने किसी की मदद की, मैं किसी के गुस्से को दरगुजर कर गया, मैंने अपनी बारी ली, मैं मेहरबान था, तो अपने बैग में वो चीज़ें डाली हैं जो मुझे आखरत में काम आनी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।